भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। इंडिया का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता मैम। राष्ट्रीय पेड़ बताइए कौन सा है? पीपल अशद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। मैं दीपिका एक बार फिर आप लोगों के सामने आपके लिए कुछ नया और एक्साइटेड सा लेकर, और वो क्या है, मेरे पास है ये मूवी की फ्री टिकट जो सन सिटी मॉल की है। ये हो सकती है आपकी। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा और उसका स्क्रीन शॉट लेकर हमें भेजेगा उसको मिलेगी ये मूवी की फ्री टिकट। फ़िलहाल मैं हूँ इस टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में और यहाँ पर हम लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। जो उनका सही आंसर देगा मूवी की ये टिकट उनकी भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछती हूँ। आपको भी उनके आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो हमारे चैनल की तरफ से आपको सन सिटी मॉल की फ्री मूवी टिकट्स मिलेंगी। ठीक है, राष्ट्रीय पेड़ बताइए कौन सा है? पीपल अशद। बरगद। वेरी गुड, इनका आंसर सही है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है इनका। ये हमारे चैनल की तरफ से आपको मूवी की फ्री टिकट है, ये दो लोगों के लिए वैलिड है। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? पता नहीं मैम। हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? 1954। हिसार जिले की स्थापना कब हुई? अरे बता दे। 1 नवंबर 1966। हाँ, वेरी गुड आंसर, सही है बिल्कुल। इनका टिकट दे दीजिए, ये चैनल की तरफ से आपको मिलती है सन सिटी मॉल की फ्री टिकट। थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मैम। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप कौन से ईयर में लेके आया था? 1983। बताओ। 1983 कपिल देव। बिल्कुल सही आंसर है ये, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे चैनल की तरफ से इन्हें मिलती है सन सिटी मॉल में मूवी की फ्री टिकट्स। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? हिसार हिंदी भाषा का ही। नो, आप बताएं मैम। आपको उर्दू? नो। हरियाणवी? नो, नहीं पता। हिसार हिंदी भाषा का शब्द। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? बताओ भाई। बताइए। आपको बताएं? किसी को? फारसी। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? पूरा आंसर। फारसी शब्द है, मतलब किला है इसका। किला फारसी भाषा का। ये आप दोनों ने दिया मिलके आंसर, तो अब प्राइज किसको दूं? ये RSN की तरफ से मूवी का फ्री टिकट है सन सिटी में, ये दो लोगों के लिए, एक आप चले जाना, एक आप चले जाना। RSN एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। इंडिया का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? अब्दुल कलाम को। वेरी गुड, पूरा नाम क्या है उनका? APJ अब्दुल कलाम। ये चैनल की तरफ से आपको टिकट मिलता है फ्री सन सिटी मॉल का। प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पता नहीं। नहीं बता। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। सर गूगल पे चेक कर रहे हैं, बताएं। गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। हाँ, राइट आंसर है इनका गुजरात। RSN की तरफ से आपको ये मूवी का टिकट है, दो लोगों के लिए वैलिड है ये। RSN को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, अगर आप उसका सही आंसर देते हो तो हमारे चैनल की तरफ से आपको सन सिटी मॉल की मूवी टिकट मिलेंगी फ्री। ठीक है, हिसार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? हिसार हिंदी भाषा है। कोई भी आंसर दे दे रैंडम। हरियाणा, हरियाणवी। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? कौन सी भाषा का शब्द है और इसका क्या मतलब है? हिसार फारसी लैंग्वेज का शब्द है और इसका मीनिंग है किला। वेरी गुड, इनका बहुत सही जवाब है। ये चैनल की तरफ से आपको सन सिटी मॉल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। एक और क्वेश्चन हमारे इस ग्रुप से, पूरे ग्रुप से है। हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी?
इसलिए पता आपको किसी को भी नहीं पता पूरे ग्रुप में से भाई हिसार वाले हो, हिसार के बारे में तो पता ही होना चाहिए ना। आप बताइए 1966 आप बताइए 1966 ये डेट तो 1 नवंबर होगी 1966 प्रॉपर बताइए डेट भी सन भी मंथ भी ना ना 1 नवंबर आगे 1966 वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है। हिसार जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। भाई जिनको नहीं पता वो सुन लो 1 नवंबर 1966 को। आरएसएन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, मूवी की फ्री टिकट, ये 2 लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। क्वेश्चन पूछूंगी आपसे एक, अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो हमारे चैनल की तरफ से सन सिटी की फ्री मूवी टिकट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक दूध वाला है, उसके पास एक बर्तन 5 लीटर का है और एक बर्तन 3 लीटर का है, पर एक और कस्टमर आता है उसको 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो कैसे तोल के देगा? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एक दूध वाला है, उसके पास एक बर्तन 5 लीटर का है, एक बर्तन 3 लीटर का है, एक और कस्टमर आता है उसको 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो उसको कैसे तोल के देगा? 2 लीटर दूध निकाल लेगा 5 वाले से 3 में डाल के, फिर जो 2 लीटर दूध आएगा उसको 3 पहले वो 3 लीटर दूध लेगा उसमें और उसको 5 लीटर में डाल देगा, मतलब 5 लीटर वाले में लेगा 5 लीटर दूध और उसमें डाल देगा, वो 3 लीटर हो गया, उसको वो कर देगा 3 लीटर को, फिर एक बार साइड कर देगा 3 लीटर को, उसमें रह गया 2 लीटर दूध, 2 लीटर को उसमें डाल देगा, वो जो बर्तन है दूसरा 3 फिर निकाल लेगा ना, जिसमें उसी में डाल देगा, वो जिसमें से निकाला उसको बाहर नहीं निकाल सकता, कितना रह गया फिर उसमें? 3 नहीं, ये राइट आंसर नहीं है, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो नहीं, सही नहीं है, नहीं पता किसी को। दूध तो अनलिमिटेड। क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, अगर आपने राइट आंसर दिया तो सन सिटी की आपको मूवी टिकट मिलेगी हमारे चैनल RSNX की तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक दूध वाला है, उसके पास एक बर्तन 5 लीटर का है, एक बर्तन 3 लीटर का है, पर एक कस्टमर आता है उसको 1 लीटर ही दूध चाहिए, तो वो कैसे देगा? एक दूध वाला है, उसके पास एक 3 लीटर का बर्तन है, एक 5 लीटर का बर्तन है, एक और कस्टमर आता है उसको 1 लीटर ही दूध चाहिए, तो वो कैसे तोल के देगा? एक 3 का है, एक 2 का है, एक 3 का है और एक 5 का है, और कस्टमर को 1 लीटर ही चाहिए। 5 में से 3 घटा दे, 2 बच गए जी, तो एक ही है ना उसने, अच्छा 1 लीटर आप बताइए। 5 लीटर, 5 लीटर वाले में डालेंगे शायद, 3 2 2 बचेगा, आप बताइए। पहले 5 वाले में डाल देंगे, फिर जितना उस वाड़ा 3 में डाल देंगे, जितना बचा 2 बचा उसको वापस 3 में डाल देंगे, आप धन देख लेंगे। तो आपने देखा हमने कैसे लोगों से बात करी, सवाल जवाब किए, कि कुछ लोगों ने दिए कुछ ही अटपटे से जवाब और कोई सही जवाब देकर जीत चुके हैं मूवी की फ्री टिकट्स। आप भी ये सब जीत सकते हैं, बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपको ऐसे ही कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए RSN एक्सप्रेस के साथ।